channel which says Get Quirky with me. So it will be a last day of my driving. So yes, आज अपना best देना है और after ages हम खा रहे हैं पोहे जितना frequently बनता था उसके बाद तो after ages ही बोलना चाहिए. But आज के पोहे was hell different from all the pohas. Yeah, we are going to leave now for Umang's work place. Why you got petrified? So yeah, things are done. मैं एक राउंड लेते चलती हूँ ना. एवरीथिंग इज डन. भगवान को सुला दूँ. तो ये है मेरे भगवान. अब मैं इनको सुला दूंगी थोड़ी देर बाद. We are in a car और अगेन मैं शगुन दिखाती हूँ आपको. ये शगुन हमेशा होना जरूरी होता है. इसका मतलब आज हमारे सारे काम होंगे. क्या कहते हो, क्या कहते हो, मानते हो आप मेरे सुपरस्टिशन को? यस ना, माँ भी मानते हैं. सो आज का सीन ये है कि मैं उमंग के वर्क प्लेस पे जाऊंगी और वहीं पे अपनी सारी एडिटिंग करूंगी. आई हैव केप्ट एवरीथिंग और कुछ मेरे नॉन प्रोडक्टिव काम है लाइक दिस वो करूंगी. मैंने फाइलर रख लिया है, दैट्स इट. फाइलिंग ही करूंगी बैठ के. सो या आज इतने दिन बाद थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा है. साथ में हम निकले. नहीं, उमंग अपने काम के लिए निकल जाते हैं, मैं अपने काम के लिए निकल जाती हूँ. तो इट्स लाइक रात में ही हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट. हाँ, सो यस. एवरीवन, सो राइट नाउ आई एम इन उमंग्स ऑफिस और थोड़ी ही देर में आने वाली है मम्मी. अभी हो गई है शाम. सुबह से हम लोग आए हुए थे, काफी काम चल रहा था यहाँ पे, तो वी वर ऑल बिजी इन दैट. तो या अभी मम्मी पापा आएंगे तो मुझे निकलना होगा उनके साथ, क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करनी है. यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा है रेस कोर्स पे इंदौर में. आई थिंक 30 तक वो रहेगा एग्जीबिशन. दोज हु आर फैन ऑफ साड़ीज एंड सूट अलॉट दे कैन गो एंड एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक साड़ियाँ आने का ऐसा उनका आर्टिकल आया था कि है. सो गो एंड एक्सप्लोर. आज तो मैं जा रही हूँ मस्त. मम्मी शॉपिंग करेंगी, मैं और पापा मस्त वहाँ पे मम्मी को कंपनी देंगे. सो यस, दिस इज हाउ इट इज. हेलो एवरीवन, सो इट्स द सेकेंड डे. तो कल जब हम ऑफिस में थे और मम्मी पापा आए थे, उन्होंने हमें विजिट किया था. वी हैड अ ग्रेट टाइम. और यस, तो एज यूजुअल आई जस्ट लॉस्ट इन द मोमेंट. आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट नेक्स्ट डे ऐसा प्लान बना था कि मम्मी विल कम अगैन, बट शी वॉज अनेबल टू कम अगैन. और जब आई थी तब मैंने शूट नहीं किया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी. नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच एंड वी आर ऑल रेडी. एज यू कैन सी उमंग इज रेडी, आई एम रेडी टू. उसके बाद हम खा के निकल जाएंगे. Hey everyone, so I'm all ready and we are going to leave. So yeah, we'll meet you in car. Look here. Kaisa laga aaj ka khana Umang Shukli? Uttam. Ati uttam. Ati uttam. Atma tript. Jada kha liya yaar, mat kar. Pehle hum bharwayenge diesel. नहीं भरवाएंगे? गलत बात. शोमो, क्या हो गया? फोन चला रहा है मूर्ख. बेटे ऐसे नहीं करते. हाँ, तो हमने नहीं डलवाया डीजल. आज हम क्यों इतने नए जगह से जा रहे हैं? ओगी, तो उमंग को आज का खाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उमंग ओवर ईटिंग, क्या ओवर ईटिंग कर ली. उसके बाद उमंग 2 मिनट तक अपनी एक जगह पे खड़े थे एंड आई लिटरली गॉट वेरी एस्टोनिश कि भैया क्या हो गया आपको. एंड ही वाज लाइक कि शुभांगे बहुत खा लिया मैंने. तो उमंग इज फैन पुष्पा दीदी के हाथ के खाने के लिए. इनफैक्ट जब इन इस ड्यूरेशन जब वो गई हुई थी अपनी बहन की शादी में, तो उमंग कम से कम 10-15 बार मुझसे पूछ चुके थे
दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी। तो यार दीदी इज हियर और उमंग एकदम खुश और गेट ओवर दिस थिंग। हाँ तो यस हम ऑन द वे हैं। कहाँ के लिए? सबसे पहले हम जा रहे हैं, मेरे एक दो काम है जहाँ पे उमंग मुझे ड्रॉप करेंगे। वो काम क्यों इतना हेक्टिक हो गया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इनका ज्यादा खाली है, ज्यादा खाली है, नहीं बंदो पाला है। दो इंच के जवान के चक्कर में शरीर की वाट लगा दी। What? So, मुझे कुछ अपने मंदिर के लिए सामान लेने थे, जैसे दीपक हो गया, रूई बत्ती हो गया, ये सब। तो ये सब मैंने उठा लिया है अभी। तो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं डिपेंड्स उमंग का मूड क्या कहता है, क्योंकि उमंग का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मेरा भी काम है। बहुत बढ़िया किया, जब मैं बोल रही थी डीजल डलने जा रहा है तो क्यों उस वक्त नहीं डलवाया? कुछ भी वो खाना क्या डाइजीन खाना है? हाँ तो खाने जा रही हूँ। नहीं वो तो आपके बैग में भी रखी, मैंने अपने बैग में भी रखी है। अंशमात वरशमात हम आ गए हैं डीजल डलवाने। मस्त। तो अब हम जा रहे हैं इंदौर तरफ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है बैठने का और चला रही है हमारी मैडम, सही चला रही है, उम्दा मजा आ रहा है, चम्मच दबा रही है, चल रही है गाड़ी। ऐसे ही जिंदगी हमारी चलती रहेगी अगर तुम गाड़ी ऐसे चलाती रहोगी। तो मिलते हैं पहुंचने के बाद। मैं शॉट की स्पीड में चला रहा था, मुझको यकीन नहीं हो रहा है। क्या नहीं यकीन हो रही है? मैं शॉट की स्पीड में चला रही है। कोई बात नहीं, चलाती रहो, है ना? कितने मजे की बात है। वाले एरिया में हूँ और उठा लिया है मैंने अपना ब्लाउज। लोग मुझे देखना वट सावित्री की पूजा के दिन, मेरी साड़ी एंड मेरा ब्लाउज। तो बॉम लगूंगी मैं, ये बॉम लगूंगी मैं। यस देखो एल लगा के चला रहे हैं अंकल। अंकल यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आपको कैसी लगी? मैंने कहा चलाई सच्ची बोल ले। डर लग गया मुझको। क्यों? अब रोज मांगोगी? नहीं डर लग गया, हम जब लॉन्ग लॉन्ग जर्नी करेंगे जब चलाऊंगी ना। We are searching for two more people, maybe a couple or some of our two friends. We have two seats. हम चार लोगों के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं। उसमें क्या रहेगा, रहता है कि जब लोग ज्यादा रहते हैं ऐसे लंबे तो मजे आते हैं, तो मजे आते हैं क्योंकि लद्दाख इज समथिंग नहीं और इतना हेक्टिक नहीं लगता ना। लद्दाख इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग, कहाँ पे जाना है, कहीं जाना है, एक दिन यहाँ पे और रुकना है क्या, एक दिन और रुक जाते हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा रिवर राफ्टिंग करते हैं वहाँ पे भी, जंस्कार वैली में जो डुबरा रिवर है उसमें भी राफ्टिंग होती है, कल मैं देख रहा था। वैसे बहुत सारी चीजें जिसको है ना एक्सपीरियंस करना होता है। तो हाँ अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैं और शुभांगी अकेले ही जाएंगे, बट हाँ वी आर सर्चिंग फॉर टू मोर पीपल। तो अब हो गई है शाम और मैं आ गई थी उमंग के ऑफिस में और मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे अभी ऑन द वे उतर के कुछ दूसरा काम भी करके तब मैं डायरेक्ट घर जाऊंगी। और आज बनेगा उमंग और मेरा मन पसंद, हालांकि आज सुबह भी हमने अपना फेवरेट खाया है, बट दैट्स समथिंग विच इज लाइक बाय सो मेनी पीपल। इट्स इन द शेप ऑफ किडनी एंड इट्स नेम आल्सो स्टार्ट विद किडनीज नेम, सो जस्ट गेस एंड चिल द कमेंट सेक्शन। आओ मी वही बात उमंग, वही बात। सो यस मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे घर पे। राइट नाउ आई एम इन अ कैब एंड ऑन माय वे फॉर सम वर्क व्हिच विल कम ऑन माय वे टू होम। सो यस
सो या आई एम बैक एट होम एट 5:30। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी जी को बुलाएंगे और भगवान को भी जगा देंगे। सो यस, आई एम बैक एट होम और बहुत ही टाइम पे पहुंच गई मैं अपना काम निपटाने के बाद भी। तो दैट्स द वेरी नाइस थिंग हैपेंड। सो ये नाउ बाय एंड यस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो दिस इज माई डिनर टुनाइट एंड उमंग इज नॉट इन हियर, वो अपने हैं हॉस्टल में एंड ही इज हैविंग गोलगप्पास ओवर देयर। सो यस, मैं भी यहाँ पे नूडल्स बना के खा रही हूँ। आज प्लान कुछ ऐसा था कि हम वहीं पे रहने वाले हैं, बट कुछ सीन ऐसा बना कि मुझे वापस से लौट के आना पड़ा। और ऑलरेडी मैं अपनी पुष्पा दीदी को मना कर चुकी थी उमंग के थ्रू कि भाई मत आना शाम को। सो दिस इज व्हाई आई एम कुकिंग टुडे। सो या आई एम गोइंग टू एंजॉय माय नूडल्स। सो हमारा राजमा खाना इसलिए ही कैंसिल हो गया है क्योंकि उमंग भी नहीं थे, तो हम दोनों को साथ में ही खाना था। तो मैंने सोचा कि मैं भी नूडल्स बना लेती हूँ इफ ही इज हैविंग गोलगप्पास। सो यस, और टॉकिंग अबाउट माय ब्लाउज एंड साड़ी, तो सीन ये था कि आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर वट सावित्री पूजा, बट मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा इस बार आप थोड़ा सा शुरू कर दो उसके डाल की साड़ियां भी पहनना। मतलब मम्मी ने उसको रूल में भी बता दिया मुझे कि वट सावित्री में डाल की साड़ियां पहनते। तो आई नो कि ये चीज नहीं है, बट वो चाहती थी कि मैं पहनूं वट सावित्री में डाल पे चढ़ाई हुई साड़ियां। तो यस, अब मैं शुरू करने वाली हूँ डाल पे चढ़ाई हुई साड़ियां भी पहनना। सो इस वजह से मुझे ना भाग भाग के जल्दी जल्दी करना पड़ा, बट थैंक्स टू माय मास्टर जी जिन्होंने इतने से समय में मुझे फटाफट बना के दे दिया। एंड थैंक यू सो 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 मच, जितने प्यार से आपने बोला कि स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट होते हैं, और आपने सच में एक दो दिन के अंदर ही मुझे बना के दिया। सो थैंक यू सो सो मच, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो एंड आई नो दिस थिंग। सो यस, तो यस अभी बस मेरा किसी तरह से हो गया क्योंकि मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब मम्मी को चाहिए कि मैं डाल की भी साड़ी पहनूं। वो नहीं बोल पा रही हैं डायरेक्टली शायद, तो इसलिए मैंने इतना पेन उठाया कि चलो चलते हैं। दो मेरी सारी तैयारी दूसरे साड़ी की हो गई थी, बट मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक बार ट्राई करते हैं, होता है तो ठीक है, और हो गया आराम से। तो यस, ये सारे काम थे जो मैं भाग भाग के जा कर रही थी, अदरवाइज मैं बड़ी आराम आराम से सारे काम करने वाली हूँ। सो यस, और अभी तक उमंग नहीं आए हैं, मैं उमंग का वेट कर रही हूँ बेसब्री से, बट इट्स ओके, ही इज डूइंग हार्ड वर्क एंड ही इज बिजी इन हिज वर्क विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी वाइज एट दिस टाइम दैट इज more important than me, so yes I'm waiting for him। और मैंने थोड़े से noodles उमंग के भी लिए बचा के रखे हुए, because मेरे से ना ऐसा कभी अकेले भी खाना पड़ता है तो मेरे को बहुत ही ऐसे चुपता है कि उमंग is not around me, I'm not having food you know with him or something like that। so yeah, कई जगह पे हम थोड़े निब्बा निब्बी भी हो जाते हैं, it's okay, it's part of life, करना चाहिए भी। सो यस, मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक उमंग आएंगे मेरे में उतनी एनर्जी रहेगी, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी स्लीपी फील कर रही हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन थ्रू विच यू विल बी अपडेटेड दैट व्हेन आई एम अपलोडिंग माई न्यू वीडियो। सो या टिल देन, गुड नाइट, बाय।